संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम कच्चे केले की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो 6 केलों को हमने धो करके रख लिया है, 3 हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया है, 1 चम्मच सेंधा नमक लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है, 1/4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/3 चम्मच जीरा का पाउडर। इसको जीरे को भून करके इसका पाउडर बना लिया है और 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये देखिए, पहले हम केले को उठाएंगे और इसका हम छिलका उतार लेंगे। तो पहले इधर का पार्ट हम तो काट देंगे और इधर का भी निकाल देंगे और इसके बाद छिलके को हम इस तरीके से छील लेंगे। ये देखिए, केले हमारे छिल चुके हैं। अब हम इनको गोल गोल इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, सारे हमारे केले कट चुके हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने भगोनी चढ़ा दी है और उसमें पानी डाल दिया है और गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और पानी को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, पूरी हल्दी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे, और ये नमक, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से चला देंगे इस तरीके से। और इसी में डाल देंगे अपने केले। केले को हमें थोड़ा सा बॉइल करना है और थोड़ा सा इसको उबालने देंगे। ये देखिए, केले हमारे बॉइल हो चुके हैं, पक गए हैं। हमें ज्यादा नहीं पकाना है, एक पीस निकाल करके इसमें चेक करेंगे। अभी गर्म है इसलिए हम चम्मच से ही कर रहे हैं। ये देखिए, इतना ही पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसे छन्नी से छान करके एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। गैस पे पैन रख दिया है, तेल चढ़ा दिया है और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम गैस को मंद कर देंगे। इसमें डालेंगे हरी मिर्ची जो हमने बारीक चॉप करके रखी थी, 3, ये जीरा, थोड़ा सा चला देंगे इस तरीके से। हरी मिर्ची और जीरा चटकने लगा है, अब जीरा पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और ये धनिया पाउडर, और सबको मिक्स कर लेंगे। ये सारे सूखे मसाले हैं, इसलिए गैस को हमने मंद रखी है, गैस को तेज नहीं करा है। और हल्दी पहले भी डाली थी, इसे थोड़ी सी डाली हूँ। अब डाल दूंगी केले और इन सबको अच्छे से चला देंगे। ये हम उपवास के लिए बना रहे हैं, इसलिए प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करें हैं इसमें, प्याज लहसुन नहीं डाले हैं। अगर आप सादा बनाना चाहते हैं तो जैसे ऐसे ही खाना है बिना उपवास में, तो लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं इसमें। तो हम इसे थोड़ी देर तक के लिए ढक करके इसे रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे, एक बार और चला देंगे इसे। डाल देंगे नमक, हम सेंधा नमक डाल रहे हैं क्योंकि उपवास के लिए बना रहे हैं। नमक स्वाद के अनुसार आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अगर आपको खट्टा खाना खाने का मन है, खट्टा खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम इसे फिर रख देंगे ढक करके, और गैस को मंद ही रखा है। अब हम इसे खोल करके थोड़ा सा और चलाएंगे और गैस को तेज कर देंगे और थोड़ी देर इसे खुली ही पकाएंगे, ताकि अच्छी करारी हो जाए, इसको ढकेंगे नहीं अब। ये देखिए, हमारे केले की सब्जी पक कर के तैयार हुई है, इतनी अच्छी बनी है, बढ़िया करारी करारी, क्योंकि थोड़ा सा खोल के पकाने के बाद ना ये इस तरीके से करारी हो जाती है, बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप सिंघाड़े के आटे की पूड़ी के साथ खा सकते हैं। हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी सी डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती बाद में लास्ट में इसे डाली जाती है, ताकि इसका स्वाद अच्छा आता है, और धनिया पत्ती से तो सब्जी के साथ वैसे ही बढ़ जाता है। ये देखिए, अब चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।
ये हमारी बहुत ही करारी केले की सब्जी बनकर के तैयार है। इसे आप व्रत में खा सकते हैं या जो वैसे भी अगर आपका मन हो तो वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।